आती हूँ। कैसे हो आप सभी भाई? विकासात्मक विकारों की अपन बात कर रहे हैं, जिसमें अपन ने मुख्य विकार ऑटिज्म पढ़ लिया। ऑटिज्म अपन ने विस्तार पूर्वक से पढ़ा, बुलमिया पढ़ा। देखो अब इसमें क्या होता है, विकासात्मक विकार में आंतरिक विकारों की अपन बात करें हैं, तो आंतरिक में वियोग दुश्चिंता विकार अपना अंतिम होगा। आज इसके बारे में बात करेंगे, क्या है ये, ज्यादा बड़ा नहीं है, समझ लीजिए भाई। वियोग दुश्चिंता विकार, पृथक्करण दुश्चिंता विकार भी इसे बोल देते हैं। इंग्लिश में बात करें तो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, SAD। अब देखो इस दो शब्दों पे ध्यान दो, सेपरेशन और वियोग। सेपरेशन यानी अलग होना, वियोग यानी अलग होना। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है, इसमें जो बच्चा होता है उसमें एक डर बना रहता है। कौन सा डर? माता पिता से अलग होने का, अलग होने का। बच्चे को डर लगता है कि मैं अगर किधर चला जाऊंगा, किधर अगर मैं, जैसे मान लो स्कूल पढ़ने चला गया तो मेरे माता पिता चले जाएंगे, माता पिता से मैं अलग हो जाऊंगा, तो एक ऐसा डर बना रहता है, एक ऐसी चिंता बनी रहती है। और फिर ऐसा डर अगर बच्चे को घेर लेता है, ज्यादा ज्यादा हो जाता है, तो फिर वो वियोग दुश्चिंता विकार में आता है, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में, SAD में। देखो माता पिता से अलग होने का डर रहता है इस छात्र में, उस डर से क्या होता है, स्कूल नहीं जाता बच्चा, स्कूल नहीं जाता। स्कूल चला जाऊंगा तो क्या होगा, स्कूल नहीं जाता भाई, स्कूल चला जाऊंगा तो माता पिता छोड़कर चले जाएंगे, एक डर बना रहता है, बना रहता है। देखो स्कूल नहीं जाता, एक डर बना रहता है, उत्सव में भाग नहीं लेता, उत्सव में भाग नहीं लेता, किसी उत्सव में नहीं जाता, प्रोग्राम में नहीं जाता, अलग बैठा रहता है, किसी के साथ नहीं खेलता। और अत्यंत एक चीज और पाई जाती है भाई, जैसे सोते समय पेशाब कर देना, ऐसी कई डर की वजह से ऐसे इसमें पाए जाते हैं बच्चों में। तो ये ज्यादा बड़ा नहीं है, तो ये बातें हैं, ये ध्यान रख लेना। एग्जाम में अगर पूछे तो भाई वियोग दुश्चिंता विकार में क्या आता है, तो माता पिता से अलग होने का डर बना रहता है, डर बना रहता है, स्कूल नहीं जाता बालक, उत्सव में भाग नहीं लेता। तो इस प्रकार के कई बातें हैं वियोग दुश्चिंता विकार में, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। देखो साथियों, अपन ने बात की विकासात्मक विकारों में आंतरिक विकारों की, अब बहिकरण विकारों की अपन बात करते हैं, बाहरी विकारों की। बहिकरण विकार, बहिकरण विकारों की आज अपन बात करते हैं। इसमें सबसे आजकल जो ज्यादा हो रहा है, और ये हर बंदे में मतलब बहुत ज्यादा पाया जाता है, ये ADHD। बहिकरण विकारों में अपन पढ़ेंगे भाई, ADHD बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया है आजकल बच्चों में, बहुत ज्यादा होता है ये विकार है ADHD। बहिकरण विकार में अपन बात करेंगे भाई, ADHD, अटेंशन डेफिशिएट भाई, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर हाइपर एक्टिविटी एक्टिविटी डिसऑर्डर डिसऑर्डर, समझिए भाई, ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार, अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार, समझिए, अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार, अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार। भाई लड़कियों की अपेक्षा हमने बात की, लड़कियों की अपेक्षा ये क्या होता है, लड़कों में ज्यादा पाया जाता है, ये विकार है जो ADHD, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में ज्यादा पाया जाता है, और 3 वर्ष के बाद दिखाई देता है, 3 वर्ष के बाद दिखाई देता है। ये बच्चों में देखो पैदाइशी हो अपन को पता नहीं लगता, लेकिन ये जो
बच्चा एक्टिविटी करने लगता है, जब भी तो इसकी बीमारियों का पता लगता है, ऐसी बीमारियों का, विकासात्मक बीमारियों का, तभी तो पता लगता है। तो ये 3 वर्ष के बाद में पता लगता है, और ये लड़कों में थोड़ा ज्यादा पाया जाता है। अवधान, न्यूनता, अतिक्रिया, विकार, इसमें क्या होता है, बालक एक साथ कई चीजें करता है, बहुत ज्यादा एक्टिविटी करता है। मतलब कैसे, जैसे कि कोई खेलने के लिए बोले मैं खेलूंगा, खाना खाऊं मैं खेलूंगा, मैं ये करूंगा, अरे अगले की बार तो सुन, जल्दी करता है। ऐसी कई एक्टिविटीज हैं इसमें जो वो बच्चा करता है। देखो समझिए, इसमें क्या होता है, एक साथ कई कार्य बच्चा करता है, कार्य करता है, एक कार्य पे ध्यान नहीं रहता और एक साथ कई कार्य करने लग जाता है। इसमें एक साथ कई कार्य करता है, और देखो ध्यान केंद्रित नहीं करता है, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, एक कार्य पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। और देखिए, एक साथ कई चीजें करेगा तो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। भाई एक साथ कई कार्य करता है तो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, और क्या होता है, अवेक्षित रहता है, अत्यधिक बोलेगा, अवेक्षित रहता है, ऐसे जल्दबाजी में रहता है और अत्यधिक बोलेगा, अवेक्षित रहता है, अत्यधिक बोलेगा, अत्यधिक बोलेगा। भाई समझिए क्या होता है इसमें, बच्चा क्या होता है, एक साथ कई कार्य करता है, मतलब जैसे एक कार्य में तो उसका ध्यान नहीं है, लेकिन ऐसे कई कार्य करता है, पेंसिल भी वो पकड़ रहा है, रबड़ भी पकड़ रहा है, लिख रहा भी है, साथ में बोल रहा भी है, तो ऐसे। और ध्यान केंद्रित, किसी वस्तु पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, अवेक्षित रहता है, ऐसे हमेशा ऐसे तेज में रहता है, अवेक्षित रहता है, अपने रास्ते में बोलते भाई निचला है, नहीं बैठता तो निचला है, वो नहीं बैठता है, इस प्रकार से बातें हैं। ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, अवेक्षित रहता है, अत्यधिक अत्यधिक बोलता है, इसमें अत्यधिक बोलेगा, बीच में बोलेगा, स्कूल कार्य नहीं कर पाएगा, कोई बातें कर रहे हैं उसके बीच में बोलेगा, ज्यादा बोलेगा, स्कूल कार्य नहीं कर पाता है, कई चीजें होती हैं इसमें, बीच में बोलेगा, ज्यादा बोलेगा, ज्यादा बोलता है, ज्यादा बोलता है। विकार में 3 प्रकार होते हैं। देखो बाहरी विकारों में अपन एडीएचडी पढ़ रहे हैं, तो एडीएचडी में 3 प्रकार से पढ़ते हैं एडीएचडी को। एडीएचडी के 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार मुख्यतः हैं, ध्याना भाव एडीएचडी, ध्याना भाव एडी एच डी। देखो ध्यानाभाव एडीएचडी में सीधी सीधी बात है, ध्यान केंद्रित विद्यार्थी नहीं कर पाता है, वही बातें हैं जो अपन ने पहले पढ़ी, बस उसका क्रम बदल दिया है। भाई ध्यानाभाव एडीएचडी में क्या होगा, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, निर्देशों का पालन नहीं करता, निर्देशों का पालन नहीं करता। भाई इसमें क्या होता है, ध्यान केंद्रित विद्यार्थी नहीं कर पाता है, निर्देशों का पालन विद्यार्थी नहीं करता है, आवश्यक वस्तुओं को भूल जाता है, कार्य धीरे धीरे करता है। भाई आवश्यक वस्तुओं को भूल जाता है, आवश्यक भूल जाता है, कार्य धीरे धीरे करता है, भूल जाता कार्य धीरे धीरे करता है, कार्य क्या करता है, धीरे धीरे करता है। भाई ध्यानाभाव एडीएचडी में विद्यार्थी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है और कार्य धीरे धीरे करता है, आवश्यक वस्तुओं को भूल जाता है। तो ये देखो पहला प्रकार है एडीएचडी, हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं। और दूसरा है अति सक्रियता, इसमें क्या है, विद्यार्थी ज्यादा सक्रिय रहता है, अति सक्रियता एडीएचडी, अति सक्रियता एडीएचडी, इसमें क्या होता है, विद्यार्थी ज्यादा सक्रिय रहता है, ज्यादा सक्रिय, इसमें विद्यार्थी ज्यादा सक्रिय रहता है, परिणामों की चिंता नहीं करता है, परिणामों की चिंता नहीं करता, कहने का मतलब उतावला रहता है, परिणामों की चिंता नहीं करता है, करता है, भाई समझिए, सक्रिय रहता है ज्यादा, परिणामों
परिणामों की चिंता नहीं करता, कार्य में तेजी दिखाएगा, लगातार बोलेगा, अव्यवस्थित रूप से कार्य करेगा, कार्य में तेजी दिखाएगा, कार्य में तेजी दिखाएगा, अव्यवस्थित रूप से कार्य करेगा, अव्यवस्थित रूप से कार्य करेगा और कार्य में गलती करेगा, कार्य करेगा। अब भाई ये ध्यानाभाव एडीएचडी और अति सक्रियता एडीएचडी, इन दोनों को अगर इन दोनों के लक्षणों को मिला दें तो संयोजक एडीएचडी हो जाता है। क्या हो जाता है? संयोजक एडीएचडी। संयोजक एडीएचडी में क्या होता है? बालक ये दोनों ही काम करता है, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है और सक्रिय रहता है। दोनों कार्य विद्यार्थी करेगा, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा और सक्रिय रहता है, परिणामों की चिंता नहीं करता, आवश्यक वस्तुओं को भूल जाता है। तो इन दोनों को मिलाकर मतलब ये दोनों कार्य संयोजक एडीएचडी में छात्र करता है। तो ये देखिए आप, यहां तक एडीएचडी अपना कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा और है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। एक छोटा सा विकार और आता है, ले लिया स्क्रीनशॉट। विरुद्धक अव्यज्ञाकारी विकार, विरुद्धक अव्यज्ञाकारी विकार, विरुद्धक अव्यज्ञाकारी विकार, ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, इसमें कुछ ही नहीं रहता, बच्चा हट करेगा, जिद करेगा। इसमें बच्चा जिद करता है, हट करता है, बच्चा जिद करता है और हट करता है, बच्चा जिद और हट ज्यादा करता है। बाल्यावस्था में ये ज्यादा पाया जाता है, ये विरुद्धक अव्यज्ञाकारी विकार है जो बाल्यावस्था में ज्यादा पाया जाता है। बच्चा जिद और हट करेगा पेरेंट्स से भी और टीचर से भी, और बच्चा आक्रामक रहेगा। इसमें क्या होता है? आक्रामक रहेगा भाई, पेरेंट्स से भी जिद करेगा और टीचर से भी जिद करेगा, आक्रामक रहेगा, मतलब लड़ाई झगड़ा करता रहता है। मतलब अब शब्दों का भी इसमें प्रयोग कर सकता है बच्चा, और लड़ाई झगड़े भी करता है, आक्रामक रहता है, जिद हट करता है, यही है इसमें मुख्य कारण। बस ये याद रखना आप, विरुद्धक अव्यज्ञाकारी विकार में क्या होता है? बच्चा जिद और हट करता है, आक्रामक रहता है, गुस्से गुस्से वाला बच्चा रहता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भाई ज्यादा से ज्यादा आप है ना इनको नोट्स बनाकर उतार लिए कॉपी में, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।